अस्सलामुअलैकुम, मैं मसर फातिमा। खास आप लोगों के लिए देखिए वाटरमेलन जूस लाए हैं। इतना बेहतरीन और अच्छा बना है, टेस्टी बना है। मैंने इसे बहुत ही अच्छे से बनाया, आप लोग भी इसी तरीके से बनाइए। आप चाहे तो अगर शक्कर नहीं डालना चाहे तो मत डालिए, बहुत अच्छा बना है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए इसे बहुत इजी और आसान तरीके से आपको बनाना बताते हैं। वाटरमेलन जूस ये देख सकते हैं, ये रहा वाटरमेलन। मैं ले रही हूँ 2 से 3 पीस वाटरमेलन के लिए है मैंने। ये बहुत मीठा वाटरमेलन है। तरबूज बहुत ही अच्छा होता है हेल्थ के लिए, आप इसे ज़रूर समर में इस्तेमाल करिए। ज़्यादा से ज़्यादा ठंडे चीज़ें लीजिए, आपके लिए ये भी बहुत अच्छा और बेहतरीन जूस है। संतरा है, मौसम्बी है, पाइनएप्पल है, जैसे कि तरबूज है, जो जो इस वक्त मिल रहा है आप लोग प्लीज़ खाइए, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। आप चाहे तो इसका जूस भी रमज़ान में भी बना के पी सकते हैं। चलिए मैं इसका जूस बनाना बताऊँगी। इसके लिए मैं ले रही हूँ तरबूज, और ये 4 से 5 चम्मच मैं शक्कर ले रही हूँ। ये देखिए मैं एक सारा तरबूज इस ग्राइंडर में डाल रही हूँ, इसे अच्छे से बारीक में पीस लूँगी। और मैं इसमें देखिए 1/2 लेमन ले रही हूँ, और ये रहा शक्कर जो इसमें ऐड कर दूँगी मैं। अब मैं इसे अच्छे बारीक ग्राइंड कर लूँगी। मैंने देखी कितने अच्छे से इसे पीस दिया है। आप चाहे तो इसे छन्नी भी कर सकते हैं, मैं इसे छन्नी नहीं कर रही हूँ। अब मैं इसमें सारा लेमन जूस इसमें ऐड कर रही हूँ। ये देखिए मैंने लेमन जूस भी इसमें ऐड कर दिया है। वाओ, ठंडा ठंडा वाटरमेलन जूस रेडी है। वाओ, देख सकते हैं ठंडा ठंडा वाटरमेलन जूस रेडी है। ठंडा आप लोग भी बनाइए, पीजिए, और हाँ बताना ज़रूर रेसिपी कैसी लगती है आप लोगों को। आप चाहे तो इसे छन्नी भी कर सकते हैं, छन्नी करके भी पी सकते हैं। मैं इसी तरीके से पीना पसंद करती हूँ, इसलिए मैं इसी तरीके से बनाया है। आप लोग भी बनाइए, पीजिए, और बताना ज़रूर रेसिपी कैसी लगती है। इंशाल्लाह नई से नई अच्छे से अच्छी रेसिपी के साथ फिर मुलाकात करूँगी। अल्लाह हाफिज़।